कहा जाता है कि अस्पताल तो व्यक्ति को जिंदगी देने के लिए होते हैं और भगवान के बाद डॉक्टर को ही भगवान का दर्जा दिया गया है। लेकिन जैसलमेर के रामगढ़ स्थित सरकारी अस्पताल का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। हुआ ये कि यहाँ के डॉक्टरों ने एक बच्चे के प्रसव के दौरान बच्चे के पैर इतनी जोर से खींचे कि उसका धड़ बाहर आ गया और सिर अंदर ही रह गया। बच्चे के दो भाग होने के बाद डॉक्टरों ने परिजनों को कुछ नहीं बताया और महिला को जैसलमेर के लिए भेज दिया। कुल मिलाकर यह पूरा मामला बेहद गंभीर होने के बाद बताया यह गया कि प्रसव के दौरान बच्चे का खाली सिर ही निकला। इसके बाद तो परिजन बच्चे का सिर लेकर रामगढ़ पुलिस थाने पहुंच गए और बाद में जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता यह चला कि यहाँ के प्रभारी डॉक्टर निखिल शर्मा के अनुसार प्रसव के दौरान नवजात के पैर बाहर नजर आ रहे थे और वो मृत अवस्था में था और यही वजह है कि उसके पैर बाहर आ गए और सिर कोख में रह गया। कुल मिलाकर सरकारी अस्पतालों की यह दुर्दशा बेहद विचारणीय है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें।